स्कूल दे विच एक विद्यार्थी वालों गोली चला दी गई है, पर हैरानी की गल यह है कि जिस विद्यार्थी वालों गोली चलाई गई है वह नर्सरी क्लास दे विच पढ़दा है, जिसकी उम्र महज 5 साल की है। तो यह बंदूक अपने बैग दे विच रख के स्कूल लैके आउंदा है ते तीजी क्लास दे विच पढ़न वाले विद्यार्थी ते गोली चला दिंदा है। यह गोली उसके हाथ दे विच जाके लगदी है, जिस कारण वह जख्मी हो जाता है, जिसनों तुरंत अस्पताल भर्ती करवाया जाता है। इस घटना तो बाद स्कूल प्रबंधकों वालों मौके पर दोवां दे मापियां नूं स्कूल दे विच बुलाया जांदा है अते इस दौरान मुलजम बच्चा भी प्रिंसीपल दे दफ्तर च हुंदा है। इस मौके उसके पिता भी उत्थे ही मौजूद हुंदे ने, पर मुलजम बच्चे का पिता उसनूं लै के मौके तो फरार हो जांदा है, जिस तों बाद पीड़ित बच्चे के मापियां ने स्कूल दे विच खूब हंगामा किया ते भन्न तोड़ भी की। हालांकि पुलिस वालों मामला दर्ज कर लिया ते फरार होए मुलजम बच्चे अते उसके पिता दी भाल दे विच जुट गई है। यह मामला उत्तर प्रदेश तो सामने आया है। अपनी क्लास में जा रहे थे, एक बच्चा जो है ना पेट में गोली मारना चाह रहा था। वो जो लड़का था ना, हम उसको गोली को पकड़ लिए, मेरा हाथ में गोली चला गया। वो बंदूक कहाँ से निकाला? वो बैग से लेके गया था, बैग में। अच्छा, काहे मारा वो गोली तुमको? दुश्मनी नहीं चाहिए बाबू साहब, स्कूल में जानती है तो पता लगा मैं कर दिया है। तुरंत बच्चा है, बेकार लगा, तुरंत फोन नहीं ले, मैडम का बच्चा का गोली मार देते हो। हां तब भी है, नहीं मार दो कि बच्चा है, ठीक से मार दे गोली। अच्छा, स्कूल में चार साल संभाला चाहिए। देखिए, मामला अभी जो है पढ़ाई लिखाई का सबसे पहला मामला है कि मेरा ये भगना है सेंट जॉन बोर्डिंग स्कूल में पढ़ता है। ये जब स्कूल आया तो प्रार्थना होने के बाद अपने क्लास में गया। क्लास में जैसे ही गया तो मुकेश कुमार यादव बगला, जो कि बगला का निवासी है, उसका भी बेटा उसी स्कूल में पढ़ता है। इसके उसके बीच में इसका कहना है कि मेरे और उसके बीच में किसी तरह का लड़ाई झगड़ा नहीं है, लेकिन वो लड़का जो है अचानक जो है मेरे पजरा में पहले बंदूक मारने का प्रयास किया, उसके बाद हम जो ऐसे खींच लिया तो वही बंदूक जाके इस पे लग गया। इस पे जैसे ही लगा तो वो बच्चा का जो है प्रिंसिपल जो है बंदूक को जब्त किया, उसके बाद उसके गार्जियन को बुलाया, इसको भी बुलाए कि आपके बच्चा को बंदूक लग गया है, आप आइए स्कूल पे। हम लोग भी दौड़ के गए तो उसका गार्जियन जैसे मुकेश कुमार यादव जैसे स्कूल पे आया, बाइक लगा के पहले जाके बंदूक को जो है टेबल पे जो बंदूक रखा हुआ था, बंदूक जाके झपटा। उसी झपटने के क्रम में दोनों चीज लेके भागना चाहा तो ये क्या नाम है इसका, मैगजीन ये उसके हाथ से छीन लिए। अब वो छीन के बंदूक को जो है बेटा समेत बाउंड्री तरफ के भाग गया और उसका गाड़ी जो है उसी स्कूल में भी लगी हुई है। अच्छा, ये बंदूक कैसे पहुंचा स्कूल में? ये बात तो प्रिंसिपल बताएंगे कि कैसे पहुंचा। ये प्रिंसिपल की जवाबदेही है कि हम कितने बच्चे को एडमिशन लेते हैं। कितने बच्चे जख्मी हुए हैं? एक। कहाँ लगी है गोली? हाथ में, बायां हाथ के दूसरा उंगली में। क्या नाम है बच्चा का? मोहम्मद आसिफ।